सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, हमने रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है और कल हमने आप सभी को कहा था कि अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की भी तरह का कोई सवाल जवाब है रिसर्च एप्टीट्यूड से लेके, तो आप हमसे बता सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हमारे पास, कुछ सवाल आए थे बिल्कुल नॉर्मल सवाल आए थे, तो वो हमने व्हाट्सएप के ज़रिए उनका रिप्लाई दे दिया। तो हमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऐसा कोई वीडियो स्पेशल बनाए, ऐसा कोई टॉपिक निकल के नहीं आया रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जिस पे हमें स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत हो। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम अगला जो टॉपिक है वो क्या करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से ही राय जानना चाहता हूँ कि अगला जो टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड के बाद हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। क्या हमें टीचिंग एप्टीट्यूड करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग करना चाहिए, या जौन सा भी करना चाहिए, आप कौन सा चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास ज़्यादा वोट आएंगे, यानी कि ज़्यादातर लोग अगर कम्युनिकेशन के बारे में कहेंगे तो वो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। और जो हमारे पेड में मेरे दोस्तों, उनको 2012 से लेकर जून 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रिसर्च के, वो पीडीएफ दे दी जाएगी। हिंदी इंग्लिश में आपको वो पीडीएफ मिलेगी, तो उससे आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं कि रिसर्च के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जून 2019 में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपको वो देखना है दोस्तों कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपकी अच्छे से स्टडी हो सके। और जो हमारे पेड मेंबर नहीं है दोस्तों, वो भी ये पीडीएफ ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है, वो हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया हुआ है आपको। यानी कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स लेना होगा। ये जो कोर्स है ये हमारा 70 रुपये का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की सारी वीडियो मिलेगी, प्लस में आज तक जितने भी हमने पीडीएफ बनाई है, मॉक टेस्ट बनाए, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। और प्लस में ये अभी जो ये पीडीएफ मैंने बताई 2012 से लेकर 2019 तक की पीडीएफ है, ये भी आपको दी जाएगी। 70 रुपये का एक छोटा कोर्स है रिसर्च का, इसके अंदर जो हमारे नए मेंबर हैं उनको दे दी जाएगी ये, और जो हमारे ऑलरेडी पेड हैं उनको तो मिलेगी ही। और दोस्तों इवनिंग को जो हमारी वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम 20 क्वेश्चन रखेंगे। उन 20 क्वेश्चन में आपके कम से कम दोस्तों 17 से 18 नंबर आने बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका अच्छे से पता चल सकेगा कि आपने अच्छे से स्टडी की है अभी तक। तो उन क्वेश्चन को आप अच्छे से करने की कोशिश करना। और अभी हम जो पीडीएफ दे रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, इससे इसी में से वो क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो इस पीडीएफ को आप बहुत अच्छे से करना, इस पीडीएफ से आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। और जो हमारे पेड मेंबर हैं उनको रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा जो नोट्स है, सभी टॉपिक का नोट्स आपको दे दिया जाएगा। यानी कि रिसर्च के अंदर जितने भी हमने टॉपिक किए हैं, सैम्पलिंग किया है, टाइप ऑफ रिसर्च किया है, स्केल किया, इन सभी का एक जॉइंट नोट्स भी आपको आज दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, इंतज़ार कीजिए इवनिंग तक का, इवनिंग को हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।